जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:32 हो गई है, मार्केट अभी अभी क्लोज हुआ और ये वीडियो बनाने वाला आदमी वापस कैसे आ गया? कैसे आ गया भाई, कैसे आ गया? ओ ओ ओ ओ ऑल टीवी एनालिस्ट जस्ट गेट लॉस्ट यू बुलशिट्स। लोगों को उल्लू बनाते हो। सच्चा भोलेनाथ का भक्त सच बोलता है तो सच बोलता है, कभी भी आपको गलत रास्ते पे लेके नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बंद कर दूंगा चैनल, लेकिन गलत रास्ते पे नहीं लेके जाऊंगा। अब सुनिए रास्ता, लेकिन 8 बजे मैं आपको डिटेल दूंगा। अभी तो मैं खाली बक बक कर रहा हूँ, इसको मत ध्यान दीजिएगा। 8 बजे मुझे डाटा आ जाने दीजिए, मुझे पता चल जाएगा कि नेक्स्ट वीक क्या होने वाला है। और कल शाम का डाटा आने के बाद तो मैं कन्फर्म बता दूंगा, ठीक है? लेकिन जो चाल चली है वो यही होती है, जब सब तेजी में आ गए थे 12,200 का लेवल लेके, तब मार्केट 11,600 ला दिया आज, ठीक है? और अब सब मंदी में आ जाएंगे तो मार्केट 12,200 ले जाएगा, नॉट 12,000, 12,200, और बैंक निफ्टी को ले जाएगा 24,900 या 24,800। अभी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन डोंट टेक इट सीरियसली अंटिल अनलेस द डाटा कम्स। तो कल की डाटा की स्टडी आपने देखी थी, बहुत लोगों ने देखा, सबने हंसा ही होगा कि ये बेवकूफ़ है, कोई दिक्कत नहीं। और कल मैंने बाय भी करवाया था, आपको याद है ना? खैर, इसलिए बाय करवाया था कि 2:50 के बाद मंदी आ सकती है लेकिन हाई टूटेगा, ये आपको बोला था। आज देखिए पूरी दुनिया तेजी। कल जब मैं वीडियो बना रहा था 270 पॉइंट ऊपर था SGX, फिर भी मैंने कोई अपनी जवान को चेंज नहीं किया। मैंने बोला मुझे नहीं मालूम 12,063 क्लोजिंग बेसिस आपका स्टॉप लॉस। सुना देता हूँ, ताली वाली तो आप घर पे बजा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मार्केट में रॉन्ग और राइट इंसान होते हैं, मगर मैं वो टीवी एनालिस्ट सबसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोग कोई चार्ट देखना नहीं जानते? कुछ भी लोगों को, जब 10,800 आया था तो सारे टीवी एनालिस्ट बोले मार्केट ख़त्म, ठीक है? तब मैं 12,000 बोला। जब 12,000 आ गया तो सारे टीवी एनालिस्ट बोलते हैं कि मंदी ख़त्म, अब न्यू ऑल टाइम हाई, ठीक है? तो मैं 11,600 पे अडिग रहा। अब आप इंट्राडे के व्यू को मत गिनिए, व्यू उसी को बोलते हैं जो परफेक्ट है। मैंने बोला मैं चैनल छोड़ दूंगा, और छोड़ने के लिए आज तैयार हो गया था भाई, तैयार हो गया। शायद आप लोगों की दुआ है, आप सबका प्यार है, इतनी दुआ देते हो। तो सबसे पहले वही वीडियो देखते हैं जिसको कल बनाने के लिए बहुत बड़ा हिम्मत चाहिए था, तो इसका स्टार्ट से सुनते हैं। वाज टुडेज रिकवरी ए ट्रैप और ह्यूज बाइंग केम वाज रियल, ठीक है? सुन लेते हैं। 7:16 हुई है इवनिंग की, अभी 7:16 इवनिंग की हुई है, और आज है 14 अक्टूबर 2020 वेडनेसडे। आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू पीपल। हाँ, 11,600 नहीं आता तो मैं एक बार बंद करूँगा यार, क्योंकि मुझे भी रेस्ट चाहिए, कुछ हफ्ते 10 दिन रेस्ट लेने दीजिए, बहुत पब्लिक सेवा कर रहा हूँ, प्लीज़। तो ये लेट अस सी कि ये पॉइंट्स मैं क्यों लेके आया हूँ। कुछ भी इसमें बायस नहीं हूँ मैं कहीं पे भी, आई विल स्पीक व्हाट द पॉइंट्स आर सेइंग, ठीक है? आई एम नॉट बायस जस्ट बिकॉज कि मैंने 11,600 बोला तो मैं बायस। आज का वीडियो भी आपने देखा हो, मैंने बोला कि कैंडल बहुत बुलिश है। सबसे पहले मैं आपको मेरा जो डाटा मैं रिकॉर्ड करता हूँ उस अभी भी सेल में है। हाँ, ये तो भाई नेट में 7,035 कॉन्ट्रैक्ट वाले ही ज्यादातर ये बाय करते हैं, 8,000 कोई बात वेबसाइट में, तो ये लोग एक समय 600,000 कॉन्ट्रैक्ट तर पॉइंट खुल भी सकता। मैं इसके लिए डिनाई नहीं करता, आई डोंट डिनाई इट ऑल। आज के कितने मिनट पे स्टार्ट किया था मैंने, 7:17 पे स्टार्ट किया था क्या? अभी 7:26 हो गई है, मतलब 9 मिनट तो मैं बक बक कर चुका हूँ, ठीक है? और ये कल का SGX निफ्टी जो दिखा रहा है अभी करंटली आपके सामने है, 70 पॉइंट प्लस दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है?
70 पॉइंट्स, इट्स अ ह्यूज, मतलब कल एक गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है, कोई डाउट नहीं हो सकता है। कल की रेड क्लोजिंग तो मैं आपको समझा ही दिया हूँ क्यों आएगी। ये 70 पॉइंट खुल भी सकता है, मैं इसके लिए डिनाई नहीं करता, आई डोंट डिनाई इट ऑल। अब आज ये कल आपको करना क्या है इस पर मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। कल आपको खाली एक ही चीज़ ध्यान देना, ये चार्ट मेरा क्लियर कट है, ये काफ़ी दिनों से मैंने बना रखा है, 7 अक्टूबर से बना रखा है। तो इसमें ये बता रहा है मुझे कि अगर किसी भी कारण से क्लोजिंग, याद रखिएगा इंट्राडे में नहीं, अगर मार्केट किसी भी कारण से कल 12,063 के ऊपर क्लोज करता है, 12,063 ये फिगर जहाँ मेरा अंगुली जा रहा है, यहाँ राइट साइड में आपको फिगर भी दिखेगा ब्लैक कलर में, के ऊपर अगर कल निफ्टी स्पॉट क्लोज करता, क्लोज इंट्राडे में जाएगा उधर भी आप शॉर्ट ही मारिएगा, लेकिन अगर किसी कारण से ये क्लोज कर देता है 12,063 जो कि अभी के हाई से भी मैं ऊपर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा मंडे का हाई था 12,022, तो कल अगर मार्केट ऊपर खुलता कोई दिक्कत नहीं, शॉर्ट मारने का ही दिन है, लेकिन आपका छोटा सा स्टॉप लॉस है, क्योंकि आज की क्लोजिंग कितनी है 971, आज की क्लोजिंग कितनी है दोस्तों 971, 12,063 क्लोजिंग बेसिस आपका स्टॉप लॉस हो गया, कोई बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं हुआ, क्योंकि इसको आप बोल सकते हो 90 पॉइंट का भी नहीं हुआ, क्योंकि 63 मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, आज की क्लोजिंग से तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। इस पर आप फोकस रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए, क्लोजिंग बेसिस, क्लोजिंग बेसिस मतलब मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोज होता है तो आप, मैं तो हार ही चुका हूँ, मतलब उसके बाद मेरी तो कोई बोलने की ताकत ही नहीं है, लेकिन आप भी अपना अगर शॉर्ट में है तो लॉस बुक कर लीजिए। अब आज ये इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 12,063 निफ्टी स्पॉट क्लोजिंग बेसिस शुड बी योर स्टॉप लॉस टुमारो, कल के लिए, अगले दिन के लिए अलग फिगर रहता है, मैं वो भी अलग से दे दूंगा आपको, लेकिन कल का फिगर 63 आ रहा है। अगर परसों का चाहिएगा आपको तो परसों ये स्टॉप लॉस बढ़ के 82 पे हो जाएगा, 82 याद रखिए, ये लाइन से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बाद में समझाऊंगा इसके बारे में। तो कल के लिए 63 आपका स्टॉप लॉस है क्लोजिंग बेसिस, क्लोज करना चाहिए इसके ऊपर, तो आप हार मान लीजिए, मैं तो माना वही, ठीक है। मैंने तो बहुत ज़बरदस्त आपको आज हेल्प किया, अगर आप देखो अकेला बंदा था, अब आप स्टेप बाय स्टेप समझो, 12,000 बोलने वाला अकेला बंदा, पिछले वीक जब तेजी से बंद हुआ 914 पे, तो अकेला बंदा था जो बोला अगले वीक मंदी रहेगी, जबकि पूरी दुनिया आपको 12,400, 12,600, 12,200, क्या हुआ मंडे को 12,022 हाई मार के नीचे ही आना स्टार्ट कर दिया, और आज तो हमको 822 का भी अंक दिखा दिया, 822 भी लो दिखा दिया, आज का लो कितना भाई 822, तो आप देख सकते हो पिछले वीक से, तो हम लोग पिछले वीक में क्लोजिंग किया था 914, उसके नीचे आया ना मार्केट, लेकिन जो 200-300 बोले थे उनका भाव तो नहीं है, तो मैं यहाँ पे भी राइट था। और सोचो आज जब मैंने दोपहर को आपको वीडियो बनाया कि यहाँ से एक बार बाई कर लीजिए, शॉर्ट को तो काट लीजिए और बाई कर लीजिए, क्योंकि मुझे ये कन्फर्म लग रहा है कि ये दोनों हाई टूटेंगे, तो इससे बेटर क्या सलाह हो सकती है मुझे बताइए। 600 वाला चैलेंज तो अलग बात है, लेकिन आपको डे बाई डे एवरी स्टेप बाई स्टेप जो गाइडेंस मिला उसकी कीमत अगर आप लाखों करोड़ों में भी लगाओ तो इट इज़ लेस, उसके सामने कुछ नहीं है, क्योंकि आपको शॉर्ट भी मैं करवा के रखा, आपको क्या बोला 800, जब 840 फ्यूचर चल रहा था, यहाँ बाई कर लीजिए, तो आपका तो नुकसान नहीं हो, क्योंकि अगर आप पिछले वीक से भी शॉर्ट में हो 914 की क्लोजिंग से भी, तो भी आप प्रॉफिट में कटे, 600 नहीं आया वो सेकेंड मैटर है, ठीक है, 600 तो अभी दो दिन बाकी है, यू नेवर नो, हो सकता है 11,400 भी आ जाए, वो सुनिएगा ये लास्ट वर्ड थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा दोस्त, लास्ट में क्या बोल रहा हूँ, ये थोड़ा सा बहुत बड़ी बात बोल दिया मैंने शायद, बोले और बाई कर लीजिए, क्योंकि मुझे कंफर्म लग रहा है, बोले ना मेरी बात दोनों हाई टूटे, सुनिएगा लास्ट में, तो इससे बेटर क्या सलाह हो सकती है मुझे बताइए। 600 वाला चैलेंज तो अलग बात है, लेकिन आपको डे बाय डे एवरी स्टेप बाय स्टेप जो गाइडेंस मिला उसकी कीमत अगर आप लाखों करोड़ों में भी लगाओ तो इट इज लेस, अब सुनिएगा, उसके सामने कुछ नहीं, क्योंकि आपको शॉर्ट भी मैं करवा के रखा, आपको क्या बोला 800, जब 840 फ्यूचर चल रहा था, यहाँ बाई कर लीजिए,
तो आपका तो नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप पिछले वीक से भी शॉर्ट में हो, 900 उधर सेकंड मैटर है, ठीक है, 600 तो अभी दो दिन बाकी है, यू नेवर नो, हो सकता है 11400 भी आ जाए, वो मार्केट है, लेकिन इतना स्टेप बाय स्टेप करें, हो सकता है 11400 भी आ जाए, और मैंने अपने दोस्त को 471 दिया था। चलिए अब आ जाते चार्ट पे, अब बकवास हो गई, ये तो प्रूव करना था, हो गया, भोलेनाथ है, बाकी तो सब कुछ सही है। अब देखिए आज कुछ बोलेंगे, सर आपने आज तो लास्ट में भाई, अरे भाई उसको थोड़ी बोलते हैं, भाई बोलते हैं, अब टारगेट सुनो मेरी आज के बाद के भी, पहले तो मैं चार्ट देख लेता हूँ, फिर शाम को तो आपको पूरा डिटेल भी मिल जाएगा कि क्या होने वाला है, ठीक है। मुझे लगता है कल कल का दिन और भी नौटंकी, क्योंकि आज बहुत बड़ी एक रेड कैंडल बनी है, जो कि मुझे याद दिला रही है 31 अगस्त की, ठीक है, तो ऐसी बनी है नो डाउट, लेकिन आज एक्सपायरी का दिन भी था, इसको भी नहीं भूलना चाहिए, और उस दिन भी एक्सपायरी का दिन था, 24 सितंबर को भी याद होगा आपको, है ना। तो ऐसी रेड कैंडल एक्सपायरी के दिन जब बनती है, वीकली एक्सपायरी के दिन, तो बहुत मायने नहीं रखती है, ऐसे तो ये बियरिश इनगल्फिंग है बहुत तगड़ा, लेकिन इसको हम लोग ज़्यादा वजन नहीं देंगे, क्योंकि डाटा में बहुत कुछ छुपा रहेगा, लेकिन डाटा को पढ़ने का तरीका आना पड़ेगा ना आपको। खाली FII ने केस में 800 करोड़ बाइंग कर लिया, हो गया। बैंक निफ्टी ने भी बियरिश इनगल्फिंग बना दिया, कल बुलिश इनगल्फिंग, आज बियरिश इनगल्फिंग, ये क्या है, ये नौटंकी है कि नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं इनके रियल, इनके पास पावर है कि नहीं वो देखते हैं। तो बैंक निफ्टी तो मैं गारंटी भी दे सकता हूँ आज ही, जब तक कि मेरा वर्ड ये है कि बैंक निफ्टी को 25,000 भी जा सकता है नेक्स्ट वीक में ही, 25,000 भी जा सकता है, 24,800 तो लगभग तय है, लगभग तय है, लेकिन 25,000 भी जा सकता है, उसके रीज़न अभी समझाता हूँ, निफ्टी के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए मैं दिखाता हूँ अभी, आज एक आपको मेरी स्टडी दिखा देता हूँ, क्यों जा सकता है उसका कारण बताता हूँ, उसमें अभी भी स्ट्रेंथ है, उसका कारण मैं समझा दूंगा अभी। आज का वीडियो, अभी इस वीडियो को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिएगा, वीडियो को रात को जो आएगा उसको इंपॉर्टेंस दीजिएगा, और देखिए मेरा आप दुश्मन भी हो दोस्त भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सबकी सेवा कर लीजिए, कोई एक रुपया किसी से लेन देन नहीं है, कोई ज्वाइन नहीं है, कोई फॉइन नहीं है, और जो आपके ऐड के भी इनकम आते हैं ना ऐड से, ये 10-11 हज़ार का ऐड का चेक आता है जो आप लोग देखते हो वीडियो, कसम खा के बोलता हूँ, ये बर्थडे, हर बर्थडे के दिन जितना भी टोटल साल का ऐड का इनकम आया वो अनाथ आश्रम में दान करता हूँ, हालांकि बताना नहीं चाहिए आप क्या दान करते हो, जितना भी टोटल, चाहे 1,22,000 आया तो 1,22,000 का दान करता हूँ साल भर में, जो भी आया इस बर्थडे से पिछले, ठीक है। तो यानी कि मैं यूट्यूब से आपसे एक पैसा नहीं कमाता हूँ, धंधा मेरा ठीक है, वो उसको आप गलत नहीं बोल सकते हो कि मैं वेबिनार करता हूँ या सेमिनार करता हूँ, उससे आपसे ज़रूर पैसा मांगता हूँ, वो आपकी मर्जी, आप आइए नहीं आइए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आ जाइए, इसमें मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, चलिए देखते हैं, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं मेरा बात को साबित करे बिना मैं नहीं मानता हूँ, आज बियरिश इनगल्फिंग ज़रूर बना, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि ये स्ट्रेंथ में है कि नहीं, ठीक है। अब आप देखो बैंक निफ्टी को, देखो बैंक निफ्टी में भी अभी भी बोलता है, ये ट्रेंड लाइन ये बोलती है कि अभी भी बैंक निफ्टी तब तक ख़राब नहीं होगा जब तक 22,104 के नीचे नहीं आएगा, डेली वाइज अगर मैं इसको आवर्ली कर लूँ, आवर्ली तो देखते हैं ख़राब हुआ कि नहीं, आवर्ली में तो ख़राब हो गया, आवर्ली में रेड हो गया, अब 2 आवर्स में देखते हैं इसको क्या पोजिशन दिखाता है 2 आवर्स में, ठीक है, 2 आवर्स में भी ख़राब हो गया, यानी कि सिर्फ डेली में ही जिंदा है, यानी कि कल नौटंकी करके सेकेंड हाफ में देखिए 4 आवर्स में बोलता कि अभी भी जिंदा है, 4 आवर्स में बोलता है जब तक 22,740 नहीं काटे, 22,730 नहीं काटे तब तक कोई तकलीफ नहीं है, कितना नहीं काटे 22,730। तो बैंक निफ्टी मैं दावा करता हूँ, खाली बोल नहीं रहा हूँ, आपको यहाँ तक बैंक निफ्टी आएगा 24,800 तक, इसके ऊपर जा सकता है, बट यहाँ तक नेक्स्ट वीक में कब तक आएगा वो भी बता देता हूँ, लेकिन 8:30 बजे कन्फर्मेशन दूंगा, कब तक आएगा नेक्स्ट वीक का 23 तारीख तक, और उसके बाद आपको आज एडवांस में बोल रहा हूँ ये भी, ये लास्ट तेजी का दिन होगा पूरी अक्टूबर सीरीज का, इसके बाद जो 24 को तो संडे है,
24 को सूर्य देव का जो नक्षत्र है वो चेंज हो जाएगा। सूर्य तो वैसे भी कल से नीच का हो जाएगा, कल से या परसों से, ठीक है। तो उसका नक्षत्र चेंज होकर क्या हो जाएगा, राहु का नक्षत्र में आ जाएगा वो, ठीक है। तो वहाँ पे इसको वाट लगेगी, शायद स्वाति नक्षत्र है या सद्भिस है, कौन सा देखना पड़ेगा। तो 24 के बाद इसमें बड़ी मंदी है, यानी कि 26 से लेके 27, 28, 29, 30 और 1, 2, 3, 4, 5 पाँच तारीख तक बड़ी मंदी रहेगी। 23 तारीख तक तेजी रह सकती है, कोई डाउट नहीं, क्योंकि मंगल के नक्षत्र में है चित्र, ठीक है, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं है मुझे कि बैंक निफ्टी में कोई गिरावट नहीं आ सकती। अब आ जाते हैं निफ्टी में भी देख लेते हैं। निफ्टी इतना सिग्नल जरूर दे रहा है कि 505 तक भी आ सकता है। तो मैंने कल आप लोग को एक ही दिन में मार्केट ने बता दिया कि क्या होता है मार्केट। निफ्टी में भी अभी तक स्ट्रेंथ खत्म नहीं हुई 4 आवर्स में। वो बोला जब तक 640 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करते, कितना 640 के नीचे इंट्राडे में आधा घंटा नहीं टिके तब तक इसमें कोई खराबी नहीं है। 640, ठीक है, लिख लीजिए आप लोग, काम आएगा आपको। और कल इसमें बड़ी तेजी कब आ जाएगी मैं वो आपको एडवांस में बोल सकता हूँ, अभी कभी बोल सकता हूँ। 790 क्रॉस करते ही आप अपना पूरा ताकत से बाई कर लीजिएगा, 790 लिख लीजिए आप लोग, 790। जैसे ही इसने क्रॉस किया 790, फिर देखिए मत, आओ देखो ना ताओ, बाई करके बैठ जाओ, ठीक है। लेकिन नीचे 640 तक भी ये आ सकता है। आज का लो कितना है, 662 भैया, 600 हो गया भाई, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। और इसको डेली में देखते हैं, डेली में तो इसका लेवल 500 आ रहा है मुझे लगता है। तो ये बोला डेली वाला सपोर्ट तो इसको 500 तक, यानी कि दोनों ही अभी तक जिंदा है बुलिशनेस में। आवर्ली में दोनों ख़राब हो गए क्योंकि आज एक्सपायरी थी, तो मैं इतना मायने नहीं रखता उनको। अब आ जाते हैं निफ्टी को खींचने वाला कौन है, रिलायंस। चलिए उसमें क्या स्ट्रेंथ है उसकी भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। रिलायंस को देखो आप, बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत स्ट्रेंथ। डेली में तो अभी तक जब तक 2144 नहीं कटेगा कुछ टेंशन नहीं है, ठीक है। आवर्ली में देखते हैं थोड़ी सी स्ट्रेंथ कम हुई होगी, आवर्ली में ख़राब हो गया क्योंकि आज गिरा। 2 आवर्स में देखते हैं ख़राब है, यानी कि ये भी निफ्टी के साथ ही है, ये भी एक ख़राब दौर से चल रहा है। 4 आवर्स में भी ख़राब हो गया, ये एक बैड साइन है। खाली डेली में इसमें एक लास्ट सपोर्ट बचा है 2144, ये लेवल नहीं टूटना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा रिलायंस में। और रिलायंस आपको 2400 तक भी जा सकता है। कब तक जाएगा 2400, इसी अगले फ्राइडे तक, 23 तारीख तक 2400 मेरा टारगेट है, ठीक है। अब मैं तेज़ी क्यों बोल रहा हूँ, देखिए मैं सेंटीमेंट्स आपको सिखाता हूँ कैसे रीड करते हैं। जब पूरी दुनिया को तेज़ी लगती है ना, तो आप समझ लो कि ऑपरेटर यहाँ पैसा बांटने के लिए नहीं आया है। वो दिखाएगा आपको तेज़ी, जैसे किसी मुर्गे को हलाल करना होता है तो कुछ दाना फेंकता है, तो दाना फेंका मंडे को सुबह, तेज़ी का दाना फेंका उसने, दाने में आप फंस गए चुप के, और टीवी वालों ने आपको जम के, देखिए मैं यूट्यूबर को किसी को भी दोष नहीं देता हूँ, क्योंकि यूट्यूबर सच्चे दिल से बनाता अपना वीडियो, चाहे कोई भी हो, जो मुझे पसंद नहीं भी करता उसकी भी बात कर रहा हूँ, कि भैया वो लोग अपनी मेहनत पूरी करते हैं, उसके लिए आपसे चार्ज नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल वो इंसान पूजा करने लायक है मेरे हिसाब से। क्योंकि जब मैं ट्रेडर था, आज भी हूँ ट्रेडर, लेकिन पुरानी बात बोल रहा हूँ, जब हमारे यूट्यूब वगैरह हुआ ही नहीं करते थे, मैं तब से ट्रेडर हूँ, यानी कि मैं हर्षद मेहता के पहले से ट्रेडर हूँ। जब कंप्यूटर भी नहीं हुआ करते, बोर्ड में लिखा जाता था ट्रेडिंग, बोर्ड में, ब्लैक बोर्ड में, एक्सचेंज में, तब से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तब हमारे को कोई गाइड नहीं था, कोई आदमी नहीं था समझाने वाला क्या करना चाहिए। हम इसको देखते, ये भाई ने शॉर्ट मारा रिलायंस, तो मैंने रिलायंस 128 रुपये में भी ट्रेड किया, कितने में, 128 रुपीज़ में ट्रेड किया। और उस समय कैसा होता था सौदा, लिया बेचा, फिर एक चौपड़ी होती थी एक्सचेंज की, उसमें नोट होता था, फिर बोर्ड में भाव लिखे जाते थे, मैं तब से, ठीक है। लेकिन उस समय हमारे को, उसके बाद जब कंप्यूटर भी आ गया, तो हमको कोई टेक्निकल इतना बड़ा उस समय फेमस नहीं था, तो कोई गाइड नहीं था, कोई भी कुछ भी बोल देता, हमको लगता कि हाँ न्यूज़ है भाई, ये न्यूज़ है, इसमें खरीद लो, खरीद लेते थे, फिर वो गिरता ही जाता था,
फिर अपना सर पकड़ के बैठ जाते थे और कुछ नहीं होता था। तो आज तो आप लोग बहुत लक्की हो कि देर आर सेवरल यूट्यूबर्स, और उन सब के तरफ से मैं आज आपको बोल रहा हूँ कि वो सारे गुरु, उनको जो आप एक भी बुरा लिखते हो, आपकी कोई गलती नहीं, आप गुस्से में लिखते हो, लेकिन उनको अगर आप बुरा लिखते हो तो आप सोचो अगर वो कल से बंद कर दे तो आप क्या, आपका क्या फ़ायदा हुआ, क्या फ़ायदा हुआ। और अगर आपको उसका चैनल बुरा भी लगता है, किसी का भी, मेरा भी या किसी का भी, तो आप मत देखो ना यार। जिंदगी में किसी की बड़ाई नहीं कर सकते तो बुराई क्यों करते हो यार, वाई। मैं आज बोलता हूँ उन टीवी चैनल्स को जरूर बोलता हूँ जहाँ एक्सपर्ट्स बैठते हैं, दे शुड बी, वहाँ कुछ ना कुछ मनीटरी गेम है। मैं आपको बताता हूँ वहाँ जो गेम होते हैं मनीटरी होते हैं, उनमें भी मैं बताता हूँ आपको, दो चैनल मैं ज़्यादा देखता हूँ, CNBC आवाज़ और जी बिजनेस, ठीक है। बाकी ऐसे तो बहुत सारे, ब्लूमबर्ग है और CNBC TV18 भी है इंग्लिश वाला, वो सब भी बहुत अच्छे हैं, और एक NDTV भी है, तो ये सारे बिजनेस चैनल है। लेकिन उनमें मुझे एक आदमी अच्छा नॉलेजेबल लगता है, मैं जिसका नाम लेता हूँ, अनिल जी जो जी बिजनेस में अभी हेड हो गए हैं, पहले वो CNBC आवाज़ में ही थे, वो उनकी नॉलेज को मैं मानता हूँ कि ही इज़ अ वेरी गुड नॉलेज मिस्टर अनिल जी को। लेकिन रॉन्ग तो देखिए, रॉन्ग तो मैं भी होता हूँ रोज, कभी ना कभी रॉन्ग होता हूँ, आई कैन बी रॉन्ग एनी टाइम, एनी बॉडी कैन बी रॉन्ग, बट आप लॉजिकल जो व्यू देते हो, लॉजिकल होना चाहिए आपका पॉइंट ऑफ व्यू। तो टीवी वाले कुछ भी बोलते थे, बस ये है, ये ब्रेकआउट मारा, ले लीजिए। अरे भैया तू थोड़ी स्टडी करके बोल, तेरे चक्कर में लोग पैसा लगा रहे है ना। अगर तेरा लॉजिक सही लगा सामने वाले को तो लगाएगा, तू लॉजिकल नहीं, बस ये ले लीजिए, ये ले बेच दीजिए, ऐसा नहीं होता दोस्त। मैंने अभी आपको सब कुछ देख के बताया, लेकिन फिर भी क्या बोला, 8 बजे का वेट करिए, क्योंकि डाटा में अगर और सेलिंग है तो कल का दिन एक और भारी दिन भी हो सकता है, ठीक है। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही व्हाट हैपेंड में, रात को वो वीडियो बनेगा डिटेल में। और एक चीज़ मेरी गांठ मान लीजिए, गाली लिख के किसका मुंह खराब होता मालूम है, तुम्हारा। तुमको क्या लगता, मुझे गाली नहीं आती, बचपन से हम लोग कमीने ही रहे, ठीक है, मैं भी कमीनों के साथ ही रहा हूँ बचपन से। तो तुम अगर एक गाली देना जानते हो तो मुझे 6 आती है, ठीक है, इतनी गंदी भी आती है कि तुम्हारे कान के जो ये बोलते ना मेल है वो भी झड़ जाए, तो क्या फ़ायदा होता है यार। तुमको अगर मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ या किस कोई और अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ लोग बोलते हैं यार वो वाला चैनल वाला तो ऐसा बोल दिया, तो तुझे पसंद है तो तू करना यार, वो थोड़ी बोल रहा कि तुझसे पैसा ले रहा हूँ, दे दे भैया, है ना। तो टीवी चैनल को भी अगर आप देखते हो तो पहले अपनी रिसर्च जरूर करो, क्योंकि टीवी चैनल का भी काम क्या है, वो आपको न्यूज़ दे रहे हैं। मैं ऐसा नहीं बोलता कि वहाँ पर सारा ही गोलमाल है, बहुत सारी न्यूज़ मैं भी वहीं से लेता हूँ, बिकॉज ये एक मीडिया है जहाँ से हमको न्यूज़ मिलती है। सपोज़ अभी अचानक कोई कंपनी का MD गिरफ्तार हो गया, तो प्रमोद जैन की पावर तो नहीं है कि ये खबर ला देगा, इसके लिए हमको टीवी चैनल तो देखना ही पड़ेगा, सो वी आर बाउंड टू। लेकिन अनिल सिंह भी मैं मोस्ट जेन्यून पर्सन देखा हूँ अभी तक टीवी चैनल्स में, मैं कम से कम टीवी चैनल को 20-22 साल से देख रहा हूँ, मुझे आई एम फैन ऑफ दिस पर्सन अनिल सिंघवी जी, बहुत वास्ट नॉलेज है उसको, जरूर टेक्निकल का ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो मार्केट की नॉलेज, ही हैज़ गॉट ए डीप नॉलेज, और आज मैं पहला ऐसा बंदा हूँ जिसकी प्रेज कर रहा हूँ। और अगर आपको फॉरेन अफेयर्स की नॉलेज के बारे में जानना है तो एक अजय बग्गा जी है, अजय बग्गा जी ज़्यादातर CNBC आवाज़ में आते हैं, अजय बग्गा आप सर्च कर लेना, फॉरेन अफेयर्स लाइक USA में क्या हो रहा है क्या नहीं, तो उनसे बेटर मैंने अपनी पूरी लाइफ में नॉलेज नहीं देखा फॉरेन अफेयर्स का, उनसे बेटर मिस्टर अजय बग्गा। आप लोग नोट कर, मैं देख लेता हूँ यहाँ पे दिखेगा शायद गूगल में उनका नाम, ये देखिए अजय बग्गा और जी बिजनेस, देखते हैं क्या ये है, अजय बग्गा जी। मैं बोलता हूँ मैं कभी भी भूल से इनको टीवी में देख लेता हूँ तो मैं टीवी से हिलता नहीं हूँ, ही इज़ अ जीनियस, मतलब मैं इनके सामने एक नाखून के बराबर हूँ नॉलेज में, फॉरेन अफेयर्स की नॉलेज में, ही इज़ अ जीनियस आई कैन से, साथ में अनिल सिंह भी है। तो नो डाउट, देखिए किसी की तारीफ करना कोई बुरी बात नहीं, अगर आपसे बेटर है
और आपसे अच्छा है तो आपको तारीफ करना चाहिए, और आपसे बुरा है तो भी आप उसकी बुराई मत करो। क्योंकि देखिए, आज मैंने गुस्से में जरूर बोल दिया कि चैनल सारे बुलशिट्स, लेकिन बुलशिट कोई चैनल नहीं है, बुलशिट हम लोग ही है। हम लोग एक व्यू पे बरकरार नहीं रखते। जैसे आज मैंने दिन भर में 3 बार अपना मत बदला, वो इसलिए बदला कि मुझे लोगों ने इतना कंफ्यूज कर दिया माथा खा के, जबकि मैं डाटा से कल क्लियर कर दूँ। तो यही होता है दोस्त। देखो आज आपको मैं ये बताता हूँ, मेरा वीडियो बंद करने से मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये 10-15 हज़ार जो ऐड की इनकम आती है, मेरा रजनीगंधा का खर्चा इससे ज़्यादा है। मैं रजनीगंधा चूअर हूँ, मैं टीवी पर यूट्यूब पर मेरा इससे ज़्यादा है महीने का, जितना आपका ऐड से इनकम आता है मुझे, ठीक है। और मैंने आपको साफ बता दिया, ये टोटल पैसा मैं डोनेट करता हूँ एवरी ईयर, जबकि ये कभी मैं कभी बताता नहीं था, लेकिन मैंने खाली फेसबुक में डिस्कस किया था पहले जब मैं सबको रखता था। तो इससे ज़्यादा मैं क्या क्लियर बोलूँ, ये मोटिव नहीं है कि इससे मुझे कोई करोड़ों रुपए। हाँ, इससे मेरा ऐड जरूर होता कि मैं वेबिनार करता हूँ, ये मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ मैं टैलेंट दिखाता हूँ तभी तो आपको लगता है कि ये बंदा सही सिखाएगा। अगर मैं यहाँ टैलेंट नहीं दिखा पाऊँ तो हु विल कम टू लर्न फ्रॉम मी। और सच बता रहा हूँ, इस बर्थडे से जो स्पेशल होगा या इसके बाद वाला होगा, मैं झोंकने वाला हूँ अपने आप को। ऐसी ऐसी चीज़ें जो मैंने कभी भी जीवन में डिस्कस नहीं की, वो सारी चीज़ें मैं राज खोलूँगा ये दोस्त सेमिनार में, वेबिनार में। ऐसी ऐसी चीज़ें, मतलब मैं बेसिक्स की बात तो मेरा असिस्टेंट सागर करेगा, वो एक दिन उसी में रहेगा। उस दिन जो मैं करने वाला हूँ, एक एक आदमी के कान खड़े होने वाले जो सीखने आएंगे, ठीक है। लेकिन अब 17-18 में सीट नहीं है, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय। ज़्यादा बोल गया हूँ तो माफ़ी भी चाहता हूँ, क्योंकि आप सब भी मेरा परिवार हो। और देखिए यूट्यूब चैनल, कल किसी ने मुझे लिखा, क्या रे छोड़ रहा है क्या बे, ऐसा लिखा किसी ने। तो बोला भाई तुझे खुशी होती तो आज ही छोड़ दूँ, तू ज़्यादा खुश होता है अगर मैं छोड़ता हूँ तो। नहीं, तू बहुत चैलेंज मारता है। तो भैया चैलेंज किसके लिए मारता हूँ, कोई मुझे पैसा देगा कि राइट हो गया तो? चैलेंज किस लिए, ताकि तुम गलत रास्ते पर नहीं जाओ। बस इसीलिए अपने आप पर सारा दोष लेता हूँ, दैट्स इट।